Hello everyone, welcome to India's largest learning platform that is obviously an academy और मैं अनुराग शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अकेडमी पर। चलिए आगे बढ़ने से पहले, भाई मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मुझे यूपीएससी और स्टेट पीएससी की फील्ड में पढ़ाते हुए और मेंटरिंग करते हुए लगभग 8 वर्षों से अधिक का एक्सपीरियंस है। तो सब्जेक्ट्स मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ वो है ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ठीक, ये मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, इंग्लिश अलग, इंग्लिश और हिंदी अलग अलग माध्यम से पढ़ाऊंगा, है ना, एक साथ बैच नहीं, फिर भी कहीं कहीं थोड़े थोड़े इंग्लिश हिंदी शब्द पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक, जो कोर एरिया जिनमें मैं आपको ट्रेन करूंगा वो है प्रीलिम्स, मेंस, है ना, और ऑप्शनल। ऑप्शनल की क्लासेस सेपरेट होंगी, अलग से होंगी। ठीक, चलिए, जो ग्रेजुएशन मेरा हुआ है वो है MRSC देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से और सोशल मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क भोपाल से। ठीक, ये मेरा एजुकेटर कोड है जो कि आपके बहुत काम आने वाला है और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूं आपके डाउट्स में, प्लस आपको नोट्स देने के लिए। ठीक, ध्यान रखिए, तो जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा वो इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ ये मेरी अनअकैडमी की लिंक है। ठीक है, इस अनअकैडमी ऐप की लिंक है, इस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लेक्चर कैसे कैसे किस किस प्रकार से क्या क्या टाइमिंग होगी, ठीक है, वो मैं ले रहा हूँ, उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक, फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं, तो वही अनअकैडमी पे आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, लाइव नहीं ले पा रहे किसी कारण से तो रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर आपको मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ठीक, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलती है जो कि बहुत जरूरी है आपके सेल्फ एवेल्यूशन के लिए, और बहुत बड़े लेवल पर टेस्ट सीरीज मिलती है ऑल इंडिया लेवल पर। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको अनलिमिटेड वे में प्राप्त है, आप कहीं भी कभी भी कैसे भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, फर्दर अपन बात करते हैं आगे, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल प्ले से, अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो ऐप स्टोर से इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, पेड कोर्सेज भी हैं और फ्री कोर्सेज भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के लिए कुछ पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पर बहुत सारे फ्री कोर्स भी हैं। पेड कोर्स आप तभी सब्सक्राइब करें जब आपको अच्छा लगता हो, ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल पेड कोर्स सब्सक्राइब करिए, लेकिन बहुत सारा कंटेंट फ्री भी अवेलेबल है आपको यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर फ्री अवेलेबल, तो प्लीज उसका फायदा उठाएं और एटलीस्ट अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, क्लियर। चलिए, और जो इनकी पढ़ाई चल रही है उसको कंटिन्यूटी दें अच्छे से। ठीक, फर्दर अपन बात करते हैं, तो जैसे ही आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, या जो ऑल इंडिया लेवल के टीचर्स हैं अनअकैडमी पर, उनसे पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, तो बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस और बहुत एक्सपोजर है यूपीएससी और पीएससी की फील्ड में, ध्यान रखिएगा। ठीक, फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो सिलेबस आपका कवरेज होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में होता है, शॉर्ट में नहीं करवाते हैं, ध्यान रखिएगा। 15,000 से ज़्यादा कोर्सेज आपको मिलते हैं यहाँ पर वेरियस सब्जेक्ट्स के, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल के भी मिलते हैं, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, मैंने एनवायरनमेंट हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, है ना, बहुत सारे NCERT के कोर्सेज भी चलते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग कोर्सेज भी हैं, ठीक, तो आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, विच एवर यू लाइक। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। ठीक, और ये UPSC फोकस मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो भी आपको ये सारे कोर्सेज, मतलब उन एग्जाम से रिलेटेड सारे कोर्सेज मिलेंगे। फर्दर अपन आगे चलते हैं, यहाँ पर बेसिकली UPSC की अपन CSE की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो प्रकार के कोर्स चलते हैं, एक प्लस कोर्स चलता है और एक आइकनिक कोर्स चलता है। प्लस कोर्स बेसिक कोर्स है, ठीक है, बेसिक से मतलब है कि यहाँ पर आपको लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप आइकनिक कोर्स लेते हैं तो आपके साथ एक पर्सनल कोच भी आपको मिलेंगे जो आपकी पूरी प्रिपरेशन पर नजर रखेंगे। ठीक, आपको डेली मेंस के क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ ही पर्सनलाइज फीडबैक देंगे और पूरा प्लानर तैयार करवाएंगे आपके एग्जामिनेशन के, भाई आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक, तो डेली का पूरा आपके पास टाइम टेबल रहेगा। फर्दर अपन बात करते हैं, तो ये जो कोर्सेज हैं दोनों ही प्रकार के, ठीक है, ये अवेलेबल हैं। जैसे कि प्लस कोर्स की बात करता हूँ तो प्लस कोर्स शॉर्ट टर्म में भी अवेलेबल है, लेकिन आइकनिक कोर्स की बात करता हूँ तो आइकनिक कोर्स जो है वो 12 से 36 मंथ के फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट हैं ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, न्यू स्टूडेंट प्लीज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कोर्स ज्वाइन करिएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में थोड़ा सा समय लगेगा।
ठीक। और जो ओल्ड स्टूडेंट है ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको एक दो सब्जेक्ट्स में डाउट है, वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी ले सकते हैं। ठीक है, फर्दर 10% डिस्काउंट के लिए आप अनुराग 27 कोड का जरूर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के दौरान, तो आपको जो ऑल इंडिया की फैकल्टीज हैं सभी, उनका सपोर्ट तो मिलेगा ही, साथ में मेरा सपोर्ट भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मैं आपको पर्सनलाइज सपोर्ट दूंगा, ठीक, जो भी आपके डाउट्स हैं और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने में, उनको सॉल्व करने में मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, फर्दर अपन आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार से आइकनिक कोर्स भी है, तो आइकनिक कोर्स भी आप ले सकते हैं। यहां पर भी आपको 10% डिस्काउंट प्लस माई सपोर्ट, ठीक, के लिए आप अनुराग 27 कोड का इस्तेमाल करें। ठीक, फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से जीएस के कोर्सेज हैं, ठीक, उसी प्रकार से ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं। ठीक है, और इन सारे कोर्सेज पर, चाहे वो जीएस का कोर्स हो चाहे ऑप्शनल कोर्स हो, आपको ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा, ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शनल कोर्स है, 1 मंथ से लेकर 36 मंथ तक। तो जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन 10% डिस्काउंट प्लस माई सपोर्ट, ठीक, के लिए आप अनुराग 27 का कोड इस्तेमाल करें। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अनअकैडमी कॉम्बैट, ये इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंटेस्ट है फॉर यूपीएससी। तो ये कंटेस्ट का फॉर्मेट किस प्रकार से, मैं आपको पहले समझा देता हूं। तो ये एक ऐसा कंटेस्ट है जो लगभग आपके एग्जाम तक चलेगा, और हर सेकंड सैटरडे को टेस्ट हुआ करेगा। कब होगा? हर सेकंड संडे को, सॉरी, हर अल्टरनेट संडे को टेस्ट हुआ करेगा। 4th 90 कंटेस्ट है, और यहां पर लगभग फोर्थ कॉम्बैट जो है वो 17th को है, ध्यान रखिएगा, 17 जनवरी को फोर्थ कॉम्बैट है, और इसमें आप टेक पार्ट कर सकते हैं। ऐसे टोटल 13 कॉम्बैट्स हैं। इन कॉम्बैट्स में बेसिकली 45 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम यानी कि यूपीएससी से रिलेटेड हैं, से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी से। ठीक, और यूपीएससी पैटर्न पर ही ये क्वेश्चन होंगे, अलग अलग सेक्शंस से। जैसे मैंने कहा भैया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारे सेक्शंस रहेंगे। स्कोरिंग जो रहेगी वो रिलेटिव रहेगी, मतलब आपकी रैंकिंग जो है वो आपकी स्कोरिंग पर बेस्ड होगी, और स्कोरिंग कैसे होगी, आपकी एक्यूरेसी प्लस टाइम के बेस पर। ठीक, तो जितना ज्यादा एक्यूरेट आप रहेंगे और जितना कम समय आप लेंगे आंसर देने में, उतना बेहतर है, उतना आपकी रैंक सुधरती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बेहतर होती जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो भाई जो नेक्स्ट कॉम्बैट है वो कब है? 17 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। इसका टाइम है मॉर्निंग 11 AM। ठीक, और ये डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, उस पर जाइए, प्लीज एनरोल कीजिए। और यहाँ पर आप अनुराग कोड, अनुराग 27 का इस्तेमाल कर सकते हैं कोड का, और 10% डिस्काउंट। क्लियर है, ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज एक जैसे ही है, ठीक है, ध्यान रखिए। और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्राइजेस भी मिलते हैं भाई, जैसे कि आपने रैंक 1 से रैंक 3 तक अगर सिक्योर करी है, तो आपको मिलेगा 3 मंथ्स का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस का सब्सक्रिप्शन। और अगर आपने रैंक 4 से रैंक 150 तक सब्सक्राइब किया है, या रैंक 4 से 150 तक आपने रैंक अचीव की है, तो आपको अमेजन गिफ्ट वाउचर मिलेंगे अप टू वैल्यू ऑफ ₹1,000। फर्दर आगे बढ़ते हैं। न्यू बैचेस अनाउंस हो चुके हैं आने वाले समय के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए। 2021 हो गया, 2022 और 2023, ध्यान रखिएगा, इन तीनों इसके लिए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, अनाउंस हो चुके हैं, और स्टार्ट कब हो रहे हैं? 18 जनवरी से। क्लियर है, ध्यान रखिए। तो फर्दर 6 मंथ का बैच है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ये आपको हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों फॉर्मेट में अवेलेबल है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी से। इसी प्रकार से ईयर लॉन्ग बैच भी है जो 2022 को फोकस करेगा, ठीक, 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपको अवेलेबल है इंग्लिश में, हिंदी में और बाइलिंगुअल में। क्लियर है, तो आप यहाँ पर अनुराग 27 का कोड यूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को यूज करने से, प्लस आपको मेरा सपोर्ट भी मिलेगा, माई सपोर्ट। ठीक, तो मैं भी आपको फुल सपोर्ट दूंगा आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपकी बिल्कुल मदद करूंगा। ठीक है, देखते हैं आगे कि कंप्लीट जीएस कोर्स 2013 के लिए भी, सॉरी 2023 के लिए भी है। ठीक, ये टू ईयर कोर्स है, ये भी आपको इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में मिलेगा। ठीक, और ये भी स्टार्ट कब से होने वाला है? 18 जनवरी से, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड बैचेस भी हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, ध्यान रखिएगा, एवरी बैच इज स्टार्टिंग ऑन 18 जनवरी, हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल तीनों में आपको मिलेगा। कोड याद रखिएगा अनुराग 27 फॉर 10% डिस्काउंट एंड माई फुल सपोर्ट। क्लियर है,
चलिए फर्दर अपन आगे बात करते हैं, तो ऑप्शनल और जीएस के कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं। ठीक, आप जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिना ऑप्शनल के जाहिर सी बात है यूपीएससी क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप कॉम्बोज भी प्रेफर कर सकते हैं। कॉम्बोज में अगर लेते हैं पूरा कोर्स तो आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक यूपीएससी अपन बात कर रहे हैं ऑप्शनल, तो ऑप्शनल प्लस ले लीजिए और यूपीएससी जीएस कोर्स जो है वो आइकॉनिक ले लीजिए, या दोनों प्लस आप ले सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक, तो ये फॉर्मेट्स हैं, ये डिस्काउंट्स हैं। तो हर कोर्स का अपना खुद का डिस्काउंट है, क्लियर है, और 10% डिस्काउंट के लिए आप अनुराग 27 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फर्दर 25 जनवरी से आइकनिक जो सब्सक्रिप्शन होता है, आइकनिक कोर्स जो होता है, उसकी प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट है भाई। ठीक, तो अभी जो प्राइस चल रही है वो ऑब्वियसली कम है, तो इस समय का फायदा उठाएं क्योंकि 25 जनवरी से इसकी प्राइस हाइक हो जाएगी। क्लियर है, तो यहां पर भी आप अनुराग 27 का इस्तेमाल कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। अनुराग 27 फॉर 10% डिस्काउंट एंड माय फुल सपोर्ट। तो सारा सपोर्ट जैसे कि नोट सपोर्ट हो गया, डाउट सेशंस हो गए, वो सारे मैं आपके क्लियर करूंगा। ठीक, फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं। तो भाई आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विसेज, जो हम सीरीज कर रहे हैं, है ना, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट पढ़ रहे हैं। और आज अब जो पिछले 4 लेक्चर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेसिकली कॉमन लेक्चर्स हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं लेक्चर्स। इनमें बेसिकली मैं आपको वर्ल्ड में माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, तो ये सारे बेसिकली टेक्निकली जियोमॉर्फोलॉजी अपना जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक, जब अपने लैंडफॉर्म्स कर लिए हैं, लैंडफॉर्म्स फॉर वेरियस इरोजनल एजेंट्स। ठीक, और अब हम कर रहे हैं रिलीफ फीचर्स ऑन अर्थ, जिसमें हम माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स और वेरियस फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये उसका फोर्थ पार्ट है लेक्चर 19 का, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, क्योंकि माउंटेन्स वाला पार्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ पिछले कुछ लेक्चर्स में। तो जिसको माउंटेन्स वाला पार्ट देखना है तो प्लीज लास्ट लेक्चर को फॉलो कीजिए, यहां से मैं आपको प्लेट्यू पढ़ाऊंगा। और माउंटेन्स में हमने क्या पढ़ा है, हल्का सा रिकैप कर लेते हैं अपन कि भाई रिलीफ फीचर क्या होता है। सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा है, ठीक, और कितने ऑर्डर्स होते हैं रिलीफ फीचर्स के। ठीक है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कॉन्टिनेंट्स के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं, ये अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। फिर सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स जो है वो बेसिकली सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं। तो अपन माउंटेन्स पढ़ रहे थे, माउंटेन्स के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उनके फॉर्म्स, उनके क्लासिफिकेशन, और वर्ल्ड के मेजर माउंटेन रेंजेस कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन से माउंटेन पीक्स हैं मेजर माउंटेन रेंजेस पर। ठीक, कौन कौन से माउंटेन जो पीक्स हैं वो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं अपने अपनी रेंज के, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और बाकायदा मैप के द्वारा पढ़ी हैं। ठीक, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, रिवाइज करते रहिए। ठीक, लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो। ठीक है, फर्दर अपन आप पहुंचते हैं सीधे कहां पर, अपने प्लेट्यूज पर। ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं प्लीज, तो लगभग लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं अराउंड द वर्ल्ड वो मैंने आपको करवा दिए हैं, उनका लोकेशन करवाया है बेसिकली, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी प्रोवाइड करी है, और इस जानकारी को अपन एक्सपेंड करेंगे, इस नॉलेज को अपन एक्सपेंड करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। क्लियर है, तो फर्दर यहाँ पर एक तरीके से ये बेसिक्स लेक्चर है आपके, है ना, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के पहले आपको जरूरी है। ठीक, फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं, आप किस पर आते हैं प्लेट्यूज पर। तो ये सारे मैं आपको थोड़े फैक्ट भी दिए थे मैंने आपको माउंटेन्स को लेकर, ये सारे माउंटेन्स आपको वर्ल्ड मैप पे मार्क करने हैं। ठीक, और मार्क करके आप जो ग्रुप है अपना अनअकैडमी का, ध्यान रखिएगा unacademy_anurag_sharma, ठीक, वहां पर आप मुझे भेज सकते हैं, है ना, और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है या भी आप क्वेश्चन आप लिखते हैं तो अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी उस ग्रुप पर भेज सकते हैं, तो मैं वो बिल्कुल चेक करके आपको बिल्कुल कॉल बैक करूंगा, सॉरी मैसेज बैक करूंगा, कॉल बैक भी कर सकता हूँ, नो इश्यूज। क्लियर है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आते हैं जियो सिग्नल थ्योरी भी हमने पढ़ा है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जियो सिग्नल क्या होते हैं, कई बार पूछा गया है, क्रेडल्स ऑफ माउंटेन्स, है ना, बड़े बड़े माउंटेन्स के पालने जिनको अपन बोलते हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया है पूरा। ठीक, तो अब हम आते हैं प्लेट्यू पर, किस पे आते हैं प्लेट्यू पर। तो भैया प्लेट्यू जो होता है, तो प्लेट्यू बेसिकली अगर अपन टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो प्लेट्यू एक ऐसा अपलैंडेड पार्ट है जिसका एक साइड तो बहुत स्लोपिंग होता है और दूसरा साइड जो होता है वो लगभग लगभग वर्टिकल होता है, और मेरी बात दिस कॉल्ड प्लेट्यू। तो एटलीस्ट वन साइड हैज अ स्टीप स्लोप, ठीक, उसको बोलते हैं अपन प्लेट्यू रीजन। ठीक, तो
तो अ प्लेट्यू इज अ लैंड एरिया हैविंग अ रिलेटिवली लेवल सरफेस ऑन द टॉप। तो फ्लैट टॉप्ड होता है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन में कोनिकल पीक होती है, ठीक, और प्लेट्यू में क्या होता है, फ्लैट टॉप्ड होता है, फ्लैट टॉप, ये टॉप जो है वो फ्लैट है लगभग लगभग, ठीक। फ्लैट टॉप या टेबल लैंड टोपोग्राफी, क्या बोलते हैं, टेबल लैंड टोपोग्राफी, ध्यान रखिएगा। एंड कंसिडर्ड, सॉरी, एंड कंसिडरेबली रेज्ड अबाउ एडजॉइनिंग लैंड ऑन एट लीस्ट वन साइड। तो एट लीस्ट वन साइड से जो एडजॉइनिंग लैंड है उससे रेज्ड हो, ऊपर की तरफ हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्लेट्यू। तो देखो प्लेट्यू सबको पता है दुनिया में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इसको नहीं पता है, लेकिन देखो जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो वहां पर इंसान क्या करता है, फिर टेंशन में रहता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ना सिंपल सिंपल चीजें, जैसे मैंने कहा आपको भैया नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डेफिनेशन बताओ, तो सब लोग लिख देंगे इसको अपने अपने हिसाब से, है ना, कि भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल सर वो जगह है कहाँ पर है, नॉर्थ में जगह है जहां पर पॉइंट लैटिट्यूड है, सब लिखेंगे अपने मन से, ठीक। ऐसे ही बहुत बेसिक चीजें जो होती हैं उनकी भी डेफिनेशन कभी कभी हम लोग नहीं लिख पाते हैं, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, तैयारी ही ऐसी करनी है कि हम चीजों को लिख पाए, ठीक। पहला टारगेट है आपका समझना और दूसरा टारगेट है आपका लिखना। तो क्या, अगर आप लिखेंगे नहीं तो ये परीक्षा नहीं निकलेगी, ध्यान रखिएगा। तो आप जनरली बैठे बैठे ही अपने मन में जो है डेफिनेशन फ्रेम करते रहिए, ठीक है भाई। प्लेट्यू को अपन डिफाइन कैसे करते हैं, तो फ्लैट टेबल लैंड जो होता है, ठीक, रिलेटिवली लेवल सरफेस ऑन टॉप, कंसिडरेबली रेज्ड फ्रॉम द एडजॉइनिंग रीजन, आसपास के रीजन से ऊपर की तरफ, एटलीस्ट फ्रॉम द वन साइड, एक साइड से ऊपर हो, ठीक, एटलीस्ट फ्रॉम वन साइड, कैरेक्टराइज्ड बाय डायसेक्टेड टोपोग्राफी। डायसेक्टेड मतलब ये प्लेट्यू बहुत कटा फटा होता है, ध्यान रखिए बहुत सारी नदियां जो होती है, जो फ्लो फ्लेवर होता है, ठीक, ये क्या करता है, इसको बहुत काट देता है, ठीक, जिसको बोलते हैं डायसेक्टेड टोपोग्राफी, मतलब कटा हुआ, ठीक। डायसेक्शन करते हैं ना अपन कहाँ पर, बायोलॉजी में, अब तो खैर बंद हो गया बहुत सारे एरियाज, बहुत सारी जगह, तो डायसेक्टेड मतलब कटा हुआ बिल्कुल एकदम, क्लियर है। तो प्लेट्यू ऑकर इन एवरी कॉन्टिनेंट एंड मेक अप वन थर्ड ऑफ द अर्थ लैंड। तो वन थर्ड जो है अर्थ का लैंड वो प्लेट्यू फॉर्म में है, ठीक। तो प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स मे बी यंग और ओल्ड, डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं तो बहुत ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, ठीक। डेक्कन प्लेट्यू लावा के किसके, लावा एरप्शन से बना हुआ है, जब फिशर एरप्शन बहुत लंबा या बहुत बड़े एरिया में हुआ था उसकी वजह से क्या बना है, प्लेट्यू बना है। अपन पढ़ने वाले थोड़ी देर में सबके बारे में। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स ऑब्वियसली, एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू रीजन। तो प्लेट्यू रीजन पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आगे आप माइनिंग पढ़ोगे, इंडस्ट्रीज पढ़ोगे, तो वो सारी कहां पर आपको मिलेंगी, प्लेट्यू रीजन के पास में, ठीक है। तो इंटरलिंकिंग है भैया पूरा, ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये बेसिक चीजें अच्छे से पढ़ी है तो आपको एडवांस लेवल पर जो अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो अच्छे से समझ में आएगी, क्लियर है। चलिए फटाफट देखिए फिर, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यू कैसे होता है अपन देख लेते हैं, ठीक। तो दीज आर इलस्ट्रेशन ऑफ प्लेट्यू, ठीक, एलिवेटेड लैंड है, एक एक तरफ से एटलीस्ट वन साइड से क्या है, एलिवेटेड है, ठीक, सिग्निफिकेंटली क्या है, राइज अबव है और फ्लैट टॉप्ड है, ठीक है, ये इसके दो मेन फीचर्स हैं। तो देखो फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, ड्यू टू अप वार्पिंग ऑफ एक्सटेंसिव लैंड एरियाज अप टू सेवरल मीटर्स। तो जाहिर सी बात है कोई भी प्लेट है अगर वो प्लेट मोशन के कारण थोड़ी सी ऊपर नीचे अगर हो जाती है तो बहुत सारे एरिया क्या होता है, ऊपर और नीचे चला जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से प्लेट्यू फॉर्मेशन हो सकता है सेवरल मीटर्स तक, ठीक है। तो ड्यू टू डाउन वार्पिंग, तो भाई अगर आसपास का एरिया बैठ गया तो बीच का एक बहुत एक्सटेंसिव लैंड जो है वैसा का वैसे ही रह गया, तो उससे भी प्लेट्यू बन सकते हैं। ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ थिक बेसाल्टिक लावा कवर, बिल्कुल डेकन प्लेट्यू ऐसे बना है। तो कहीं पर फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये लैंड एरिया है, ठीक, इस प्रकार से यहां पर एक बहुत लंबी दरार है, और इस दरार से लावा अगर बाहर आता है तो ये लावा क्या कर देगा, एक डोम शेप का प्लेट्यू बना देगा इस पूरे रीजन में, ठीक, डोम शेप्ड प्लेट्यू डेवलप कर देगा, एलोंगेट प्लेट्यू, ठीक है। तो क्या कहलाएगा वो, लावा प्लेट्यू, है ना। डेक्कन प्लेट्यू इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेट्यू, तो लावा कवर से बना हुआ है, ठीक। हालांकि जब अपन माउंटेन्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिक माउंटेन्स, तो वॉल्केनिक माउंटेन्स में इतना ज्यादा एक्सटेंसिव जो इरप्शन है लावा का वो नहीं होता है, ठीक, जिसकी वजह से प्लेट्यू नहीं बनते हैं, ठीक। तो जहां पर भी एक्सटेंसिव वे में लावा का इरप्शन होगा, ठीक, वो बेसिकली किससे होता है, एक फिशर से होता है, फिशर मतलब दरार, ठीक, तो दरारी उद्भेदन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, फिशर इरप्शन, जहां पर क्या होते हैं, लावा प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं। फिर देखो आगे, ड्यू टू द डिनुडेशन ऑफ एक्सटेंसिव माउंटेनियस रीजन। तो बिल्कुल जो माउंटेनियस रीजन है बहुत सारे आज की तारीख में, उनके जो टॉप टॉप पीक्स हैं, है ना, उनको उनका डिनुडेशन हो गया,
तो एक तरीके से क्या है, एक मीडियल मास बना रह गया, वो मीडियल मास क्या है, अंत में जाकर प्लेट्यू बन जाएगा। क्लियर है? फिर आता है डेपोजिशन बाय विंड्स, बिल्कुल सही बात है। तो डेपोजिशन, विंड डेपोजिशन से भी प्लेट्यूज डेवलप होते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल है लॉयस प्लेट्यू, ठीक। तो ड्यू टू द अपफोल्डिंग ऑफ द मिडिल पोर्शन ऑफ जियोसिंक्लाइन, बिल्कुल। तो जियोसिंक्लाइन तिब्बत प्लेट्यू का एग्जाम्पल है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अपन ने जियोसिंक्लाइन में देखा है कि किस प्रकार से जियोसिंक्लाइन दो आसपास के कॉन्टिनेंटल मासेस जो है वो, या जियोसिंक्लाइन में सेडिमेंटेशन के दबाव से दो कॉन्टिनेंट मास पास में आते हैं, तो बीच में जो जियोसिंक्लाइन में सेडिमेंटेशन है वो क्रश होकर क्या बन जाता है, माउंटेन रीजन बन जाता है, ठीक है। लेकिन माउंटेन रीजन का जो सेंट्रल वाला पोर्शन है, जहां पर फोर्स बहुत कम पहुंच पाता है, वो लगभग लगभग टेबल लैंड की तरह रहता है, टेबल लैंड। तो आपको आसपास क्या दिखेगा, आसपास आपको माउंटेन्स दिखेंगे, ठीक, आसपास आपको है ना इस तरफ माउंटेन्स दिखेंगे, फिर मीडियल मास आपका प्लेटी रह गया, फिर आपको इस तरफ माउंटेन्स दिखेंगे, ठीक। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तिब्बत। तिब्बत बीच में क्या है, बीच में प्लेटी रीजन है, एक तरफ इसके हिमालयाज है और एक तरफ इसके कुनलून रेंज है, ध्यान रखिएगा। क्लियर ना? तो कुल्लू है और उस तरफ थियानशान रेंज है, ठीक है। तो दोनों तरफ आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं तिब्बत के। दैट मीन्स कि जब ये इंडियन प्लेट यहां से आई, इंडियन प्लेट और ये एशियाटिक प्लेट जब टकराई आपस में, तो ध्यान रखिएगा जो कॉर्नर वाला रीजन है वहां पर तो फोल्डिंग हो गई, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, ये पूरा जियोसिंक्लाइन था, जो पूरा सेंट्रल पार्ट है वो क्या रह गया, तिब्बत का प्लेट्यू बन के रह गया। तो ये अपने लास्ट लेक्चर में देखा भैया, है ना, देखना एक बार, ठीक। तो ये कई तरीके हैं जिनसे प्लेट्यू बन सकते हैं, ठीक। ज्यादातर प्लेट्यू किससे बनते हैं, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ थिक बेसाल्टिक लावा कवर, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं फटाफट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यू। तो बिल्कुल, प्लेट्यूज कैन बी क्लासिफाइड लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस, लाइक उनके शेप के बेस पर, साइज के बेस पर, लोकेशन के बेस पर, ओरिजिन के बेस पर, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेस पर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बेस पर, कई बेसिस पर अपन प्लेट्यू क्या कर सकते हैं, अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। फ्यू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज, तो यहां पर मैंने कोई एक फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया है, जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू के टाइप्स है वो पढ़ाए हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटर माउंटेन प्लेट्यू, तो ये प्लेट्यू अपन वो प्लेट्यू होता है जो आसपास चारों तरफ से, सभी तरफ से माउंटेन से घिरा हो। सुनते ही सबसे पहले एग्जाम्पल अपने दिमाग में क्या आता है, तिब्बत प्लेट्यू, बिल्कुल सही बात है। तो दीज आर द हाइएस्ट इन ऑल इन द वर्ल्ड, बॉर्डर्ड बाय माउंटेन्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल साइड्स। द तिब्बतियन प्लेट्यू इज वन सच प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यू इज ऑल्सो ए गुड एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा। तिब्बतियन प्लेट्यू और मैक्सिकन प्लेट्यू अपन देखेंगे दोनों प्लेट्यूज को, ठीक। आगे अपन ने पूरे जो वर्ल्ड के प्लेट्यूज हैं उनको मैंने मार्क कर रखा है एक पूरे वर्ल्ड मैप पर, तो बिल्कुल आप देखते हैं इसको, लेट्स सी। तो क्या हो गया भैया, इंटर माउंटेन प्लेट्यू क्या होता है, देखो ये भले ही डायरेक्ट आपसे ये शब्द ना पूछे, कौन आपके एग्जाम में यूपीएससी स्टेट पीएससी, पर आपसे क्यों पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटर माउंटेन प्लेट्यू, है ना। पर वो क्या है, अपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करेगा, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, तो आपको इसका मतलब मालूम होना चाहिए ना, सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपको क्वेश्चन प्रॉपरली समझना है। जैसे उसने कहा कि पीडमॉन्ट, वो पूछता है आपसे कि भाई इंटर माउंटेन प्लेट्यू और पीडमॉन्ट प्लेट्यू में से कौन से प्लेट्यू जो होते हैं वो ज्यादा हाइयर होते हैं, तो जब आपको इन दोनों का नाम ही नहीं पता होगा तो आप कैसे इसका आंसर दोगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं अभी, ठीक। तो पीडमॉन्ट प्लेट्यू वो प्लेट्यू होते हैं जो इनके एक तरफ क्या होता है, एक तरफ तो पहाड़ होते हैं, ठीक, और ये प्लेट्यू हो गया, और दूसरी तरफ क्या होते हैं, दूसरा फीचर होता है, या तो प्लेन होते हैं यहाँ पर, ठीक है, या दूसरे कुछ चीजें होंगी पर पहाड़ नहीं होंगे, माउंटेन्स नहीं होंगे, ठीक। तो इनको हिंदी में बोलते हैं गिरिपद, क्या बोलते हैं, गिरिपद पठार, ठीक। तो जो गिरी, गिरी मतलब माउंटेन्स और पद मतलब पैरों में, तो गिरी के पद पर जो रहते हैं प्लेट्यूज उनको अपन क्या बोलते हैं, पीडमॉन्ट प्लेट्यूज, ठीक। तो दीज प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड एट द फुट हिल जोन्स ऑफ एक्सटेंसिव माउंटेन रेंजेस, फुट हिल जोन्स ऑफ एक्सटेंसिव माउंटेन रेंजेस, सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन वन साइड एंड प्लेन्स और कोस्टल टोपोग्राफी ऑन अदर साइड। तो इस तरफ इसके प्लेन है, यहां पर कोस्टल टोपोग्राफी है, समुद्र है, ठीक, ऑन अदर साइड। एग्जाम्पल पेटागोनिया प्लेट्यू इज अ गुड एग्जाम्पल, पेटागोनिया प्लेट्यू। थर्ड टाइप के प्लेट्यू आते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू, तो सबसे मैंने कहा कॉमन वॉल्केनिक प्लेट्यू। तो अ वॉल्केनिक प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय न्यूमरस स्मॉल वॉल्केनिक इरप्शंस दैट स्लोली बिल्ड अप ओवर टाइम, ठीक, तो समय समय के साथ। तो ये भी पॉसिबल है कि भाई एक माउंटेन है, अगर मान लो वॉल्केनिक माउंटेन है वो, और यहां से क्या हो रहा है, इरप्शन हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन, तो समय के साथ क्या होगा, ये पूरा एरिया क्या होगा, प्लेट्यू में बदल जाएगा। क्लियर है? दिस होल एरिया विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लेट्यू, ठीक। बहुत लंबा समय लगेगा इसमें, ठीक है, पर जो बेसिकली जो इसमें उत्सर्जन या इरप्शन होता है लावा का, वो किस फॉर्म में होता है,
फिशर के फॉर्म में, दरारी उद्भेदन इसको बोलते हैं। और इस फिशर से क्या होता है, चारों तरफ लावा निकलता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, दरार से एक बहुत लंबी दरार होती है सरफेस पर, जैसे मैंने आपको बताया था आगे कैलिफोर्निया में अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट दरार देखी थी, ठीक है, इस पर एक मूवी बनी है, ध्यान रखिए। अब मैं पूछो तो जाने, मतलब आप पता करो क्या किसकी बात कर रहा हूँ, सैन एंड्रियास फॉल्ट की बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट से अगर मान लीजिए लावा कल को बाहर आने लगा, तो वहां पर क्या बनेगा, प्लेट्यू बनेगा बहुत बड़ा, ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से अपन बोलते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू। तो अब वॉल्केनिक प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय न्यूमरस स्मॉल वॉल्केनिक इरप्शन दैट स्लोली बिल्ड अप ओवर टाइम, धीरे धीरे बनते हैं ना, फॉर्मिंग अ प्लेट्यू फ्रॉम द रिजल्टिंग लावा फ्लोज। ठीक, द कोलंबियन प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड डेक्कन ट्रैप आर टू सच प्लेट्यूज। ठीक है, तो कोलंबियन प्लेट्यू मैं आपको दिखाता हूँ कहां पर है कोलंबियन प्लेट्यू, देखिए दिस इज कोलंबियन प्लेट्यू, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू बोलते हैं इसको। ठीक, दिस इज कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, क्लियर है, ध्यान रखिए। बहुत आगे बढ़ते हैं अपन, तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, कोलंबियन प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का। ठीक, आर डेक्कन ट्राइब्स आर टू सच प्लेट्यूज, लॉरेंशियन प्लेट्यू और कैनेडियन शील्ड एंड साइबेरियन ट्राइब्स ऑफ रशिया, ये भी इसके एग्जाम्पल। ठीक, लॉरेंशियन प्लेट्यू और साइबेरियन ट्राइब्स, साइबेरियन, साइबेरिया के नीचे भी जो बर्फ है उसके नीचे भी बहुत सारे प्लेट्यू दबे हुए हैं। ठीक है, चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं अपन। तो वॉल्केनिक प्लेट्यू मेरे ख्याल समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन अपन ने देखा प्लेट्यूज का। ठीक, तो तीन पार्ट में क्लासिफाई करा अपन ने प्लेट्यूज को, और भी देखते हैं आगे, ये अपन ने क्लासिफिकेशन नहीं करा बेसिकली, है ना, जो अलग अलग बेसिस पर क्लासिफिकेशन किए गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा साइज के बेस पर अपन ने क्या कर दिया, उसको डोम शेप्ड प्लेट्यू बोल दिया। ठीक, तो डोम शेप्ड प्लेट्यू बोल दिया साइज के बेस पर। ठीक है, लोकेशन के बेस पर तो अपन ने बोला कि भैया कहाँ पर है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, माउंटेन्स के बीच में, ये लोकेशन हो गया। पीड माउंट क्या है, गिरिपथ यानी कि माउंटेन्स के एक साइड में हो गया, तो ये लोकेशन के बेस पर हो गया। तो मैंने सारे मिक्स पढ़ा दिया आपको, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में और पूछे गए हैं। तो चौथे प्रकार का आता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, भैया बहुत बड़ा होता है जब प्लेट्यू एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव प्लेट्यू बॉर्डर्ड ऑन ऑल साइड्स बाय प्लेन और सीज, फॉर्मिंग अवे फ्रॉम माउंटेन्स, एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड आर गुड एग्जाम्पल्स। तो माउंटेन से दूर पूरे कॉन्टिनेंटल स्केल पर अगर बहुत बड़े बड़े प्लेट्यू डेवलप हुए हैं, जिनके आसपास क्या होते हैं, प्लेन होते हैं एरियाज या सीज होते हैं, उनको बोलते हैं अपन कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। फिर आते हैं टेक्टोनिक प्लेट्यू, जाहिर सी बात है टेक्टोनिक एक्टिविटी से जो प्लेट्यू बने हैं उनको अपन बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्यू। तो दीज आर एक्सटेंसिव वेरी हाई एंड कॉम्प्लेक्स प्लेट्यू फॉर्म ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेज, अगेन अंदर से जो अर्थ के अंदर से काम कर रहा है, तो पूरा प्लेट टेक्टोनिक ही एंडोजेनेटिक फोर्स से चलता है, ध्यान रखिएगा। तो दो प्लेट टकराई, जब टकराएगी तो ये प्लेट थोड़ी सी उठेगी, ठीक, ध्यान रखना, या दो कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगी, मान लीजिए दो कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा रही हैं, तो सबडक्शन जोन यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगा, इसकी वजह से क्या होगा, कोई एक प्लेट जो कमजोर है वो बीच में से ऐसी उठ जाएगी। इंडियन प्लेट के साथ यही हुआ है, बीच में से प्लेट उठ गई है, ठीक, और यहाँ पर बहुत सारी दरारें बन गई हैं, ठीक है, और वही दरारों से बीच का पोर्शन बैठ गया है, रिफ्ट वैली बन गई है, और उन रिफ्ट वैली में नर्मदा, ताप्ती और बहुत सारी नदियां बहती हैं, क्लियर है। तो देखो ये एक थ्योरी है, ध्यान रखा, है ना, पक्का किसी को भी नहीं मालूम क्या हुआ है भैया, ये ज्योग्राफी की सुंदरता यही है ना, यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्यों, क्योंकि पक्का तो किसी को भी मालूम क्या हुआ है, ठीक, सबकी थ्योरीज है अपनी अपनी, इवन प्लेट टेक्टोनिक भी एक थ्योरी है ना, वो कोई लॉ नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सब लोग अपना अपना ज्ञान यहाँ पर आके उसका मंचन कर सकते हैं, जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं, ठीक, ध्यान रखिए। तो ऐसे ही डूम अपने क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्यू क्या होता है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस से बनाए हुए प्लेट्यू, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट से, इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल अदर टाइप्स ऑफ प्लेट्यू, तो इतने भी अदर टाइप्स ऑफ प्लेट्यू हैं, सारे इसमें आते हैं, क्योंकि सारे कहीं ना कहीं टेक्टोनिक एक्टिविटी से बने होते हैं, है ना। ऑल्सो कॉल्ड एज डायस्ट्रॉफिक प्लेट्यू, डायस्ट्रॉफिज्म मतलब बहुत धीरे काम करने वाले फोर्सेज, तो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज से जो प्लेट्यू बने हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, डायस्ट्रॉफिक प्लेट्यूज, ठीक, और वो टेक्टोनिक प्लेट्यूज ही होते हैं। सॉरी, चलिए एग्जाम्पल क्या है, मेघालय प्लेट्यू, ठीक, सॉरी, चलो एग्जाम्पल मेघालय प्लेट्यू। तो डोम शेप्ड प्लेट्यू क्या होते हैं भैया, जिस शेप के आधार पर है, अगर इस प्रकार का डोम शेप्ड है तो क्या कहलाएगा वो, प्लेट्यू, ठीक। तो व्हेन एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स इज अपलिफ्टेड ड्यू टू इंट्रूसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी, तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, बैथोलिथ है, यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है जबरदस्त तरीके से, लेकिन जो है एक्सटेंसिव लैंडमास जो है क्या हो गया, उठ गया है, ज्यादा बाहर नहीं आया लावा, लेकिन लावा इसके नीचे कई पोर्शन में इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर
तो ये पूरा रीजन जो है अर्थ का, ये ऊपर की ओर थोड़ा सा उठ गया है, फूल गया है, ठीक। तो इसको बोलते हैं अपन डोम शेप्ड, ठीक। तो दिस प्लेट्यू रिजेंबल्स अ डोम शेप अपवार्प्ड फ्रॉम द मिडिल एंड राउंडेड फ्रॉम साइड्स। बीच में छोड़ गया और आसपास से क्या है, राउंडेड है, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, ओजार्क प्लेट्यू ऑफ यूएसए, छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, दीज आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ डोम शेप। तो शेप के आधार पर है, देखो बना तो ये लावा के उससे ही है, ध्यान रखना लावा के फोर्स से, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो मैं 50 आपको क्लासिफिकेशन ना पढ़ाते हुए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने प्लेट्यू के पढ़ा दिए, ठीक है। चलिए फर्दर, मेरे ख्याल से अभी तक कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर आते हैं ग्लेशियल प्लेट्यू, तो भैया ग्लेशियल एक्शन से बनते हैं, ठीक। फ्लूवियल प्लेट्यू मतलब रनिंग वाटर के एक्शन से जो बनते हैं उनको बोलते हैं अपन फ्लूवियल प्लेट्यू, ठीक। और एओलाइन मतलब एयर या विंड के एक्शन से बनते हैं उनको बोलते हैं अपन एओलाइन प्लेट्यू। तो ग्लेशियल प्लेट्यू जो है उनके एग्जाम्पल्स क्या है भैया, एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जो ग्लेशियर से बनाए गए। पूरा एक माउंटेनियस रीजन है ना, उस पर ग्लेशियर्स है बहुत सारे, एक समय बाद पूरे ग्लेशियर्स खिसक जाएंगे या गायब हो जाएंगे, है ना, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ वाटर, ठीक। लाखों करोड़ों साल बाद ऐसा होगा, अगर ग्रीनलैंड की अपन बात करें या कहीं और की बात करें, तो वो उस समय जो माउंटेनियस ट्रैक्स हैं जो बर्फ के नीचे दबे हुए हैं वो एकदम घिस जाएंगे, और बीच का एक मिडिल मास या पूरा एक मिडिल मास उठा हुआ रहेगा जिसको अपन बोलेंगे प्लेट्यू रीजन, क्लियर है। फ्लूवियल प्लेट्यू रिवर द्वारा बनाए जाते हैं, तो फॉर्म ड्यू टू द वर्क्स ऑफ रनिंग वाटर विथ एक्सटेंसिव फ्लूवियल सेडिमेंटेशन इज अपलिफ्टेड ड्यू टू द अर्थ मूवमेंट्स। तो देखो मिक्स फॉर्म होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो रिवर जाके और ऊपर चढ़ चढ़ के कहीं इकट्ठा कर रही है जो सेडिमेंटेशन है, नहीं। तो जहां पर पूरे एरिया में मान लीजिए प्लेन एरिया है ना, ये रिवर द्वारा डेपोजिशन से बना है, मान लीजिए किसी फर्दर टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई और पूरा प्लेन एरिया क्या हो गया, अपलिफ्ट हो गया, ठीक। तो ये प्लेट्यू बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हालांकि इतना अगर आप ना चाहें केवल इतना याद रखिए, ग्लेशियर के एक्शन से बने हुए प्लेट्यू को अपन ग्लेशियर, वाटर के रनिंग वाटर के एक्शन से फ्लूवियल, और विंड या एयर के एक्शन से अपन क्या बोलते हैं एओलाइन प्लेट्यू, क्लियर है। इनके एग्जाम्पल्स याद रखिए, जैसे लॉयस प्लेट्यू है चाइना का, ठीक, पोतवार प्लेट्यू है पाकिस्तान का, ये एग्जाम्पल है एओलाइन प्लेट्यू के, ठीक है। तो प्लेट्यूज ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड बिहार, ये क्या एग्जाम्पल है, फ्लूवियल प्लेट्यू के, नदियों द्वारा बनाए गए, नदियों के वर्क द्वारा, लेकिन अकेली नदी नहीं है, ठीक, और भी टेक्टोनिक फोर्सेस भी काम कर रहे हैं, दूसरे फोर्सेस भी काम कर रहे हैं। तो किसी भी प्लेट्यू को बोल के अपन ये नहीं बोल सकते कि यार ये केवल और केवल लावा से बना है या ये केवल और केवल टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, ठीक है। तो ये मिक्स चलते हैं सारी चीजें, लेकिन हम क्लासिफिकेशन मिक्स तो पढ़ नहीं सकते, तो हम क्या है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट उसमें देखते आ रहे हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये मेजर प्लेट्यूज ऑफ वर्ल्ड पे अपन आते हैं कि भाई वर्ल्ड में कौन कौन से मेजर प्लेट्यूज है, कहाँ कहाँ पर है, ठीक। फटाफट अपन देखते आते हैं एक एक करके। पहला वाला प्लेट्यू आपके पास तिब्बत, तिब्बतीन प्लेट्यू, जाहिर सी बात है इसको बोलते हैं पॉपुलरली नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। लेकिन रूफ ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं वो अपन करते हैं पामीर के लिए, किसके लिए, पामीर, ठीक। तो कुछ किताबों में ये भी लिखा है भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसको बोलते हैं तिब्बत को, क्योंकि किसकी वजह, किस वजह से बोलते हैं, इसकी ऊंचाई की वजह से, ठीक, क्योंकि ये सबसे हाइएस्ट प्लेट्यू, ठीक। किसका एग्जाम्पल है, एन इंटरमाउंटेन प्लेट्यू सराउंडेड बाय माउंटेन्स, है ना, टू द साउथ बाय हिमालयन रेंज, टू द नॉर्थ ईस्ट बाय कुनलून रेंज, एंड टू द वेस्ट बाय काराकोरम रेंज, ठीक। हाइएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड फॉर्म ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स, क्लियर है, सभी को पता है ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक। चलिए तो तिब्बतियन प्लेट्यू कहाँ पर है भाई, तो देख लो फटाफट, दिस इज तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बतियन प्लेट्यू, एक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये सब लाल लाल है। चलो दिस इज व्हाट तिब्बतन प्लेट्यू इज, दिस इज वेयर तिब्बतन प्लेट्यू इज, ठीक। बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, है ना, जो इधर भी आती हैं, कहाँ पर, हिमालयास को क्रॉस करके इस रीजन में, ठीक, और फिर इस तरफ भी आती हैं, ईस्ट एशिया में भी बहती हैं, नॉर्थ में भी बहती हैं, ठीक है। तो वो सारी अपन देखेंगे जब अपन रिवर्स पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, आने वाले लेक्चर्स में अपन रिवर्स भी पढ़ेंगे वर्ल्ड की, तो वो देखेंगे, ठीक। फर्दर सेकंड नंबर पे आता है डेक्कन प्लेट्यू, तो डेक्कन प्लेट्यू भैया कहां पर है, इंडिया में, सभी को पता है। तो डेक्कन प्लेट्यू इज ए लार्ज प्लेट्यू विच फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक। द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक। इट इज अ वॉल्केनिक बेसॉल्ट बेड ऑफ डेक्कन, ऑफ डेक्कन विच वेयर लेड डाउन बाय मासिव डेक्कन ट्रैप इरप्शन। तो डेक्कन इरप्शन हुए थे, ठीक, एक जमाने में, वो मैंने आपको बताया कब हुए थे जब मैं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा रहा था, तो प्लीज रेफर करिए उसको, ठीक।
सेकेंड ड्राइव से कारण बने हैं, ठीक है, पूरे रीजन में, विच इज मेड ऑफ मल्टीपल बेसॉल्टिक लेयर ऑफ लावा फ्लोज। तो मल्टीपल बार जो है ये इरप्शन हुआ, इसकी वजह से क्या बना है, एक्सटेंसिव लावा प्लेट्यू बने हैं। द डेक्कन ट्रैप कवर्स ऑलमोस्ट 500,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इन एरिया। द डेक्कन इज रिच इन मिनरल्स सच एज माइका एंड आयरन ओर इन द छोटानागपुर रीजन, डायमंड गोल्ड एंड अदर मेटल्स इन गोलकोंडा रीजन। ठीक है, तो ये पूरा जो अपना पेनिनसुलर प्लेटू है, इसका जो वो ज्यादा भाग है ना, ये जो पूरा रीजन है ये कवर्ड काय से है, डेक्कन ट्रैप से। क्लियर है, दिस इज अवर डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन जब अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना। अभी हाल फिलहाल इतना आप याद कर लीजिए। क्लियर है, फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, तो ये कहां पर है, यूएसए में है, जाहिर सी बात है। तो रिवर कोलंबिया एंड इट्स ट्रिब्यूटरी स्नेक, ठीक, मीट्स इन दिस प्लेट्यू, तो इस प्लेट्यू में मीट करती है, प्लेट्यू से बहती है। तो इट इज बॉर्डर्ड बाय कास्केड रेंज एंड रॉकी माउंटेन्स एंड डिवाइड्स एंड डिवाइडेड बाय कोलंबिया रिवर। तो अपन ने देखा है ये जो पूरा रीजन है, ठीक, कौन सा वाला, ये कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू वाला रीजन, दिस इज कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, और इसी इसी एरिया में कास्केड रेंज भी है। ध्यान रखिएगा, पढ़ाया मैंने आपको, जब मैंने माउंटेन्स पढ़ाए हैं, कास्केड रेंज का हाईएस्ट माउंटेन, ये हाईएस्ट पीक माउंट रेनियर है, ये सारी चीजें अपन ने देखी हैं। प्लीज भैया रेफर करते रहो यार, मैं हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से कि प्रॉपरली रिविजन भी करते रहो, ठीक है, साथ साथ, ताकि दिक्कत ना हो आगे फर्दर। तो ये कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, ठीक, इसके एक तरफ क्या है, कास्केड रेंज है, और दूसरी तरफ रॉकी माउंटेन्स है, इस तरफ क्या है, रॉकी माउंटेन्स है। मैंने आपको बताया था ना भाई, ये जो जो कोस्ट कोस्ट रेंज है, कास्केड रेंज है, सियारा नेवाडा यहाँ पर रेंज है ना, इनके बीच में प्लेट्यू रीजन है, और उसके बाद फिर यहाँ पर रॉकीज चालू होते हैं। क्लियर है, रॉकीज चालू होते हैं। तो देखो थोड़ा सा मतलब समझ लेना, स्केल पर नहीं बना रहा हूँ मैं, है ना, एकदम इतनी भी कलाकारी मुझे नहीं आती है, तो थोड़ा सा समझ लेना यहाँ पर, ठीक। बीच में यहाँ पर सेंट्रल प्लेन रीजन है, ठीक, यहाँ पर क्या है, प्लेन रीजन है, ठीक है, यहाँ पर एपलेशन माउंटेन्स हैं जो कि अपन ने देखे, ठीक, और ये लॉरेंशियन प्लेट्यू है, ठीक, लॉरेंशियन प्लेट्यू को अपन कैनेडियन शील्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैनेडियन शील्ड। तो विल सी थोड़ी देर में अपन देखते हैं सारी चीजों को। तो कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू ध्यान रखिए किस पार्ट में है, रफली मैंने मार्क करा हुआ है यहाँ पर, ठीक। फर्दर एक तरफ से ये कास्केड रेंज से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से रॉकी माउंटेन से, है ना, एंड डिवाइडेड बाय कोलंबिया रिवर। तो कोलंबिया रिवर इसके बीच से बहती है, अपनी जो साथी है, इसकी सहेली है, वो है स्नेक रिवर, ध्यान रखिएगा, ट्रिब्यूटरी है स्नेक रिवर, ठीक, ध्यान रखिए। तो दिस प्लेट्यू हैज बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन विद अ कॉन्सिक्वेंट कोटिंग ऑफ बसाल्ट लावा, मतलब बाद में कोटिंग होती रही, ठीक, और पहले फ्लड बेसाल्ट हुआ जबरदस्त तरीके से, और फिर बाद में फिर उसकी लेयरिंग होती रही, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये प्लेट्यू इस प्रकार से फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है कोलोराडो प्लेट्यू, क्या आता है, कोलोराडो प्लेट्यू यूएसए। तो कोलोराडो देख लेते हैं भैया अपन, दिस इज कोलोराडो प्लेट्यू यूएसए, ध्यान रखिएगा, ये पास में ही है किसके, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू के, ठीक, और इसके भी एक साइड पर क्या है, रॉकी माउंटेन्स है, और दूसरी साइड पर सियरा नेवाडा रेंज है, क्या है, सियरा नेवाडा, ठीक। चलो फर्दर देखते हैं अपन, तो टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, ठीक, इट इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ अमेरिका, बाउंडेड बाय द रॉकी माउंटेन्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ और ईस्ट से रॉकी माउंटेन से, इन द वेस्ट बाय ग्रेट बेसिन एंड फ्रॉम द साउथ बाय सोनोरान डेजर्ट, ध्यान रखिए। तो डेजर्ट जब पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा सोनोरान डेजर्ट कहां पर है, ठीक। तो ये जो रीजन है यहाँ पर सोनोरान डेजर्ट भी है साउथ में, ध्यान रखिएगा, इधर सियरा नेवाडा भी है, ठीक, लेकिन थोड़ा दूर है सियरा नेवाडा, ठीक है, ध्यान रखिए। केवल ये आपके दिमाग में ध्यान रखिए कि भाई किस किस एरिया में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ कोलोराडो रिवर की या कोलोराडो प्लेट्यू की, तो आपका दिमाग या एक जो फिगर है वो आपको नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में ले जाना चाहिए, ठीक, और थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में छवि होना चाहिए कि भाई ऊपर क्या है, इसके कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू है, नीचे सोनोरान डेजर्ट है, ठीक, ग्रेट बेसिन है वेस्ट में, ठीक, ईस्ट में क्या है, रॉकी माउंटेन्स है, नॉर्थन पार्ट्स में भी रॉकी माउंटेन्स हैं, ठीक है, इसके आसपास ही कास्केड रेंज भी है, सियारा नेवाडा भी है, और उसके उस तरफ और क्या है, कोस्ट की तरफ कोस्ट रेंज भी है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे याद होंगी, करते जाइए, ठीक। तो इट इज डिवाइडेड बाय कोलोराडो रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है कोलोराडो, वेस्टर्न अमेरिका के, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है कोलोराडो, और ये फेमस है ग्रैंड कैनियंस के लिए, ध्यान रखिएगा, कोलोराडो रिवर एंड ग्रैंड कैनियंस, है ना। तो दिस प्लेट्यू इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, तो यही प्लेट्यू है कोलोराडो प्लेट्यू, जिस पर ये जो कोलोराडो रिवर है इसने क्या है, बहुत सारे ग्रैंड कैनियंस बना रखे हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था जब मैं अपन लैंड फॉर्म्स पढ़ रहे थे, ठीक,
रिवर के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स, ठीक ध्यान रखिएगा। तो दिस प्लेट्यू इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू, बिल्कुल। तो ये भी क्या है, आसपास से घिरा हुआ है ना, मैं बताया आपको कि इस तरफ कौन कौन से माउंटेन्स है, नॉर्थ में रॉकी है, ईस्ट में रॉकी है, ठीक है। इस तरफ मैंने कहा आपको कि सियारा नेवाडा रेंज है, ठीक, तो ध्यान रखिए। फिर आते हैं नेक्स्ट वाला प्लेट्यू, उसको बोलते हैं लॉयस प्लेट्यू चाइना, लॉयस प्लेट्यू चाइना, ठीक, ऑल्सो नोन एज हुआंगसू। क्या बोलते हैं, हुआंगसू प्लेट्यू। द सॉइल हियर इज मेड ऑफ फाइन पार्टिकल्स ब्रॉट बाय विंड्स। इस प्लेट्यू पर सॉइल है वो विंड द्वारा लाई गई है, ठीक। दिस इज द फाइन लोमी सॉइल इज एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, बहुत प्रोडक्टिव है। क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल अलोंग द येलो रिवर है ना गिव ग्रेट ईल्ड्स। तो बहुत सारे ईल्ड्स, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, किसके द्वारा, यहाँ पर बहुत बढ़िया सॉइल के द्वारा, ध्यान रखिए। तो लॉयस प्लेट्यू क्या है, फटाफट देखिए, देखिए चाइना का वाला पार्ट है तिब्बत प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट में, अपन ने देखा है लॉयस प्लेट्यू, क्या है लॉयस प्लेट्यू, क्लियर है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट, फिर आता है आपका कटंगा प्लेट्यू। क्या आता है, कटंगा प्लेट्यू। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक, एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ध्यान रखिएगा। तो कटंगा प्लेट्यू इट इज लाइंग इन कॉन्गो, ठीक, इट इज फेमस फॉर कॉपर एंड यूरेनियम प्रोडक्शन, बिल्कुल ध्यान रखिए। तो अदर मिनरल्स लाइक कोबाल्ट, यूरेनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड एंड टिन आर ऑल्सो माइंड हियर। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्लेट्यू, और चूंकि लावा प्लेट्यू है तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा, बहुत सारी मिनरल्स मेटल्स आपको मिलेंगे, ठीक। दिस इज कटंगा प्लेट्यू, दिस इज कटंगा प्लेट्यू, क्लियर है। चलिए फर्दर, तो इसको मार्क करते हैं ये मैप पर, या अलग से मार्क करिएगा, ठीक। और हर प्लेट्यू पे अपने को एटलीस्ट थोड़े थोड़े वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। चलिए, तो वो यूपीएससी क्या करता है भैया, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, ठीक, वो वर्ल्ड में पूछेगा कि आपको मार्क कीजिए कि मेजर प्लेट्यू कौन कौन से हैं। एक आप बोलेगा कि एक तरीके से आपको बोलेगा डिस्क्राइब करिए मेजर प्लेट्यूज कौन कौन से हैं, और इन प्लेट्यूज पर या इन प्लेट्यूज के आसपास कौन कौन से प्रोडक्शन बेल्ट हैं, है ना, मिनरल्स के मिनरल प्रोडक्शन बेल्ट हैं। तो वो अपने को सारे प्लेट्यू के साथ बताने पड़ेंगे, तो अपने को मिनरल्स और प्लेट्यू साथ में मिक्स करके उसको पूरा समझाना पड़ेगा कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मिनरल प्रोडक्शन बेल्ट जो है, ठीक। चलिए, तो अब नेक्स्ट आता है आपका किम्बरले प्लेट्यू। क्या आता है, किम्बरले प्लेट्यू। अच्छा, मैंने इसको आगे पीछे कर रखा है प्लेट्यूज को, है ना, एक प्लेट्यू में आपको नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो दूसरा चाइना में पढ़ा रहा हूँ। तो आप इसको ऑर्डर वाइज कर लीजिएगा जैसे आपको याद होता है ना, क्योंकि मेरा दिमाग तो रैंडम चलता है, आप समझना, क्या चलता है, रैंडम चलता है। आपका दिमाग अगर ऑर्गेनाइज है तो आप इसको ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा, है ना, पहले नॉर्थ अमेरिका के पढ़ लीजिए भाई। और यहाँ पर तो मैं आपको केवल वर्ल्ड लेवल पर पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल पर। तो वर्ल्ड लेवल पर अपन 50 प्लेट्यू नहीं पढ़ सकते, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ाऊंगा या कॉन्टिनेंट वाइज अलग पढ़ाऊंगा, है ना, तो कुछ और फीचर्स भी पढ़ाऊंगा, डेजर्ट भी एक्स्ट्रा, और प्लेट्यू भी, और कुछ अपन छोटे छोटे प्लेट्यू भी देखेंगे, ठीक। चलिए फर्दर अपन देखते हैं, अच्छा कटंगा प्लेट्यू अपना हो गया है, किम्बरले प्लेट्यू पर आते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में कहां पर है, किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया, बहुत फेमस है, ठीक। दिस व्हाट किम्बरले प्लेट्यू इज, किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो ये भी फेमस है ना मिनरल्स के लिए, ध्यान रखिए। लाइज इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दिस प्लेट्यू इज मेड ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, मेनी मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड, लेड, जिंक, सिल्वर एंड डायमंड आर फाउंड हियर, ठीक, डायमंड इज ऑल्सो फाउंड हियर। तो ध्यान रखिएगा इन प्लेट्यू की रीजन और प्लेट्यू के एरिया और लोकेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब हम मिनरल बेल्ट्स पढ़ेंगे वर्ल्ड में तो इस पर अपने को मतलब ध्यान रखना पड़ेगा इस प्लेट्यू रीजन का भी, क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट आपका बोलीवियन प्लेट्यू। क्या आता है, बोलीवियन पेरू, बोलीवियन प्लेट्यू, ये कहाँ पर है, बोलीविया और पेरू के पास, है ना, इसको अपन है ना एल्टीप्लानो भी बोलते हैं, एल्टीप्लानो प्लेट्यू, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे किताबों में एल्टीप्लानो या बोलीविया दिया होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दिस इज योर बोलीवियन प्लेट्यू और एल्टीप्लानो प्लेट्यू, ठीक, ये कहाँ पर है, बोलीविया और पेरू दोनों में है, ठीक। इसी के नीचे आएगा पेटागोनिया प्लेट्यू, लोकेशन देख लीजिए, दिस इज वॉट पेटागोनिया प्लेट्यू लुक्स लाइक, ठीक, समझ आई बात, पेटागोनिया प्लेट्यू और बोलीवियन प्लेट्यू। फर्दर आगे देखते हैं अपन, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बोलीवियन प्लेट्यू क्या क्या पता भैया, इट इज एन इंटर माउंटेन प्लेट्यू, बिल्कुल, यहाँ पर माउंटेन है, माउंटेन्स है, इंडीज है ना, और इस तरफ हाईलैंड है, ठीक, विच इज लोकेटेड बिटवीन टू रेंजेस ऑफ एंडीज माउंटेन्स, ठीक। तो एंडीज माउंटेन्स की दो रेंज में है ना, तो इट इज अ मेजर एरिया ऑफ टिन रिजर्व, ध्यान रखिए टिन, ये थोड़ा सा फैक्ट अपने को याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके काम जो आएगा वो है च्यवनप्राश, तो भैया खाओ च्यवनप्राश और याद करते जाओ, कुछ कुछ चीजें अपने को याद भी करने पड़ेगी, है ना,
मिलता है तो मिलता है, बोलीवियन प्लेटू यहाँ है वहां है, उसमें मैं क्या करूंगा, अपन केवल उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक फटाफट देगी। नेक्स्ट आता है पेटागोनिया प्लेट्यू, ये कहाँ है अर्जेंटीना में, तो इट इज पीडमोंट प्लेट्यू। पीडमोंट प्लेट्यू क्या होता है, इसके एक तरफ माउंटेन्स हो और दूसरी तरफ क्या हो, एक प्लेट्यू हो और दूसरी तरफ या तो प्लेन एरियाज हो या कोस्टल रीजन हो, ठीक है। अपन ने देखा अभी कोस्टल रीजन है यहाँ पर, पेटागोनिया प्लेट्यू इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीडमोंट प्लेट्यू, है ना। तो इट इज पीडमोंट प्लेट्यू इन सदर्न पार्ट ऑफ अर्जेंटीना, तो इट इज अ रेन शेडो डेजर्ट प्लेट्यू, ठीक। इट इज अ इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ शीप रेयरिंग, ठीक, यहाँ पर भेड़े पाली जाती हैं, शीप, ठीक। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज अपन पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले समय में, ठीक। तो प्लीज थोड़ा सा जो फिजिकल फीचर्स हैं माउंटेन प्लेट्यूज प्लेन्स, इन एरियाज को आप ध्यान रखेंगे ना तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी समझने में बहुत आसानी होगी। फिर आता है एनाटोलिया, क्या आता है एनाटोलिया प्लेट्यू, टर्की में है, मैं आपको बता चुका हूँ माउंटेन्स वाले पार्ट में भी, ठीक है। इसके नॉर्थ में कौन से माउंटेन्स है और साउथ में कौन से माउंटेन है, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज लास्ट लेक्चर रेफर करिए भैया, है ना, नहीं तो फिर क्या होगा, गाड़ी छूट जाएगी, ठीक है। कौन सा आता है अब एनाटोलिया, तो एनाटोलिया प्लेट्यू जो है वो टर्की में आता है और ये वर्ल्ड मैप पर ये रीजन है, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैं माउंटेन्स मार्क नहीं कर सकता हूँ, बहुत छोटी जगह है, इसलिए मैंने आपको जो माउंटेन्स पढ़ाए हैं वो थोड़े से क्या है, इसी रीजन का मैंने इतना बड़ा मैप बनाया है, ठीक, बनाया क्या, डाउनलोड किया ऑब्वियसली, ठीक। तो वो इलस्ट्रेशन मैंने दिए हैं आपको, क्लियर है, तो उनको ध्यान रखिए। अपना काम है पढ़ना, चाहे यहाँ से अपने को मटेरियल मिले, ठीक, अगर अपने को अच्छा पढ़ने को मिलेगा तो अपन कॉपी भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं जो बना रहा हूँ नोट्स, ये मेरे स्वयं के हैं, जैसे कि ये वाला पूरा फिगर बनाया है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। तो एनाटोलिया प्लेट्यू के बारे में बात कर रहे थे, तो एनाटोलिया प्लेट्यू कहाँ मिलता है आपने को, टर्की में, ध्यान रखिएगा। तो टर्की में क्या होता है भैया, ऑल्सो नोन एज एशिया माइनर, ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टर्की लाइज ऑन दिस प्लेट्यू, तो इट इज एन इंटरमाउंटेन प्लेट्यू लाइंग बिटवीन पॉन्टिक रेंज एंड टॉरस माउंटेन रेंज। तो पॉन्टिक रेंज नॉर्थ में है और टॉरस माउंटेन कहां पर है, साउथ में है, ठीक। तो टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर फ्लो थ्रू दिस प्लेट्यू, अगेन द टिग्रिस यूफ्रेट, बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन मानी जाती है टिग्रिस यूफ्रेट्स की, तो इसी रीजन में बहती है, ठीक है ना। रीजन इज फेमस फॉर बेस्ट क्वालिटी वुल प्रोड्यूसिंग गोट, अंगोरा गोट्स, ध्यान रखना, अंगोरा गोट्स किस रीजन मिलती है, एनाटोलिया प्लेट्यू रीजन में, ठीक। फिर आते हैं पोथवार प्लेट्यू पाकिस्तान, तो इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ नॉर्थन प्लेट्यू पंजाब रीजन, ठीक, ऑफ पाकिस्तान, बाउंडेड ऑन ईस्ट बाय द झेलम रिवर एंड ऑन द वेस्ट बाय इंडस रिवर, नॉर्थ बाय कालाचीता रेंज है, ठीक, एंड मार्गला हिल्स, एंड ऑन द साउथ बाय सॉल्ट रेंज। तो एक तरफ क्या है माउंटेन रीजन है और दूसरी तरफ क्या है नदियां हैं इस पूरे रीजन में, ठीक। तो ये देखो, ये पोथवार प्लेट्यू दिख रहा है, पोथवार प्लेट्यू है और पोथवार प्लेन भी है, ध्यान रखिएगा। तो पोथवार प्लेन में आपको जब अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे फिजियोग्राफी, तो वहां पर पोथवार प्लेन भी आएगा, ठीक है। तो पोथवार प्लेट्यू और पोथवार प्लेन में अंतर समझिएगा, ठीक, बहुत सारी किताबों में ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। फर्दर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट प्लेट्यू जो अपने सामने आता है वो है मासिव सेंट्रल, ठीक, यूरोप फ्रांस में आएगा, और लॉरेंशियन प्लेट्यू कैनेडा में आएगा, ठीक। लॉरेंशियन प्लेट्यू को अपन कैनेडियन शील्ड भी कहते हैं, कैनेडियन शील्ड का ही पार्ट है बेसिकली, ठीक। तो फर्दर देखो, मासिव सेंट्रल कहाँ पर है भैया, दिस इज मासिव सेंट्रल, ठीक, इसकी लोकेशन ध्यान रखिएगा, ठीक, ये स्पेन है, ठीक, क्लियर है ना। चलिए तो देखते हैं फटाफट मासिव सेंट्रल, दिस प्लेट्यू, सॉरी स्पेन ही फ्रांस, आई एम सॉरी, दिस प्लेट्यू लाइज इन द सेंट्रल फ्रांस, ठीक है ना। इट इज फेमस फॉर ग्रेप कल्टीवेशन, ग्रेप के लिए फेमस है, फ्रांस के सेंट्रल पार्ट में है ना, और इसके साउथ में मतलब इसके इस तरफ नीचे की तरफ क्या है ना, ये स्पेन वाला पार्ट है, ठीक। तो ये स्पेनिश मेसाटा हो गया, ये स्पेनिश प्लेट्यू हो गया, सॉरी स्पेनिश प्लेट्यू हो गया, इसको आइबेरियन प्लेट्यू भी बोलते हैं, ठीक, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ लास्ट के कुछ फिगर्स में, ठीक। तो स्पेनिश प्लेट्यू हो गया, ये हो गया आपका मासिव सेंट्रल जो कि फ्रांस में है, ठीक है, और ये क्या हो गया बेवेरियन प्लेट्यू, क्या हो गया बेवेरियन प्लेट्यू, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन, ठीक। तो कौन कौन से सारे लगभग लगभग बहुत सारे प्लेट्यू अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक। तो मासिव सेंट्रल, लॉरेंशियन प्लेट्यू भी दिखाई था आपको, लॉरेंशियल प्लेट्यू कहाँ पर है, तो लॉरेंशियन प्लेट्यू जो है दिस इज लॉरेंशियल प्लेट्यू और इट इज पार्ट ऑफ कैनेडियन शील्ड। शील्ड माउंटेन्स मैंने आपको बताया बहुत कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स होते हैं, है ना, कॉर्डिलेरास और शील्ड माउंटेन्स। शील्ड माउंटेन्स बेसिकली क्या होते हैं, जब देखिए माउंटेन्स जब डेवलप होते हैं, ठीक, और इनका इरोजन चालू होता है, तो इन माउंटेन्स के बीच में जो कोर होता है इनका अंदर की तरफ, वो बेसिकली किससे बना होता है, लावा से, ठीक,
सेडिमेंट्स होते हैं बहुत ऊपर तक, लेकिन बीच में नीचे की तरफ लावा भी आता है, ठीक। और ये जो लावा जो है, जब ऊपर के सेडिमेंटेशन हट जाते हैं वेदरिंग इरोजन से बहुत समय के बाद, तो ये लावा का जो कोर है ये एक्सपोज हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं शील्ड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे माउंटेन्स आपने देखे होंगे जिनका सेंट्रल पार्ट में आपको एक बहुत बड़ा कठोर चट्टान या ठोस पत्थर या रॉक्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो वो जो होते हैं वो बेसिकली शील्ड होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे जब हमने होता है ऐसा, तो वो उसको कहते हैं अपन शील्ड। फर्दर देखिए फटाफट, तो लॉरेंशियन प्लेट्यू लाइंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कैनेडा, इट इज अ पार्ट ऑफ कैनेडियन शील्ड, फाइन क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज फाउंड, आयरन ओर मिलती है यहाँ पर, ठीक है। देखेंगे आगे अपन जब कनाडा के बारे में पढ़ेंगे और नॉर्थ अमेरिका के मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। फर्दर फिर आते हैं मैक्सिकन प्लेट्यू, ठीक। तो मैक्सिकन प्लेट्यू अगेन कहां पर है, मैक्सिको में, एज द नेम सजेस्ट दिस इज मैक्सिकन प्लेट्यू, ठीक। ये भी क्या है, इंटर माउंटेन है, ध्यान रखिएगा, एक तरफ सियारा माद्रे ओरिएंटल, एक तरफ सियारा माद्रे ऑसिडेंटल, ठीक है ना, एक तरफ रॉकीज चल रहे हैं, ठीक, ऊपर तक यहां तक, हालांकि यही एक्सटेंशन है, पूरा एरिया माउंटेन ट्रैक से भरा हुआ है, ठीक। तो फर्दर देखिए, तो ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सिकन एंटीप्लानो, पॉपुलरली नोन एज मिनरल स्टोर, ध्यान रखिए, फेमस फॉर वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिल्वर माइन, ठीक, चीहुआ हुआ, क्या बोलते हैं इसको, चीहुआ हुआ, ध्यान रखिएगा। अब ये नाम है भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसको, चीहुआ हुआ, देखो। अब वो एक बार बेयर गिल्स भी यहां पर गया था, बेयर गिल्स को जानते हो ना, जो कुछ भी खा लेता है, ठीक। वो बेयर गिल्स भी, ये पूरा डेजर्ट एरिया रीजन है, ठीक। ये जो रीजन है ये बहुत ठंडा रीजन है और डेजर्टिफाइड रीजन है, डेजर्टिफाइड मतलब वहां रेत नहीं है पर वो एरिड रीजन है कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो एक बार एक एपिसोड था बेयर गिल्स का, मैं देख रहा था, चीहुआ हुआ डेजर्ट में, ठीक। और यहां पर उसने पता नहीं कितने मरे हुए जानवर खाए थे, नो प्रॉब्लम, चलो खा रहे थे उसको, तुम ध्यान दो इधर, आप लोग यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैक्सिकन प्लेट्यू अपने समझ में आया, मैक्सिकन प्लेट्यू क्यों फेमस है भैया, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिल्वर माइन, ठीक है ना। आगे देखेंगे अपन, अब आगे बहुत सारे नाम अलग अलग है, चिकुई का माटा, तो कॉपर माइन भी अपन देखेंगे, चिकुई का माटा क्या होता है, तो आगे अपन विल सी मैनी थिंग्स, ठीक। तो फिर आता है मैस्करिन प्लेट्यू, क्या आता है, मैस्करिन प्लेट्यू, अब ये सबमर्स प्लेट्यू है इंडियन ओशियन में, ठीक है। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट अंडरसी प्लेट्यू इन इंडियन ओशियन आफ्टर केरगुलेन प्लेट्यू, ध्यान रखिएगा, फॉर्म्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड इज फ्रेगमेंट ऑफ एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ गोंडवाना। तो क्या है, मैस्करिन प्लेट्यू की बात अगर करता हूं मैं, तो ये मैस्करिन प्लेट्यू आपको दिख रहा है ग्रेनाइट का बना हुआ है, मतलब लावा से बना हुआ है, जाहिर सी बात है ये, ठीक। और ये गोंडवाना का अवशिष्ट भाग है, सुपर कॉन्टिनेंट पुराना, ठीक है, लगभग जितना भी सदर्न पार्ट का एरिया है सब गोंडवाना का ही भाग है, ध्यान रखा, ठीक है, क्योंकि दो ही पार्ट थे, अंगारा और गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो फर्दर देखो आगे, मैक्सिकन प्लेट्यू हो गया, मैस्करिन प्लेट्यू हो गया, फिर आता है स्पेनिश प्लेट्यू और आइबेरियन प्लेट्यू, स्पेन, इसके बारे में हम देख चुके हैं कहाँ पर है ये, तो फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन एंड लावा, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर, आयरन इज फाउंड इन दिस रीजन, ठीक। फिर आता है आगर प्लेट्यू, ठीक, आगर प्लेट्यू कहाँ पर है, अल्जीरिया, इसको देख लो फटाफट, दिस इज योर आगर प्लेट्यू, क्लियर है। तो आगर प्लेट्यू रीजन कहाँ पर है, अफ्रीका में अल्जीरिया वाले पार्ट में, सहारा। तो ये भी ड्राई प्लेट्यू है, एरिड रीजन है, ठीक। तो ऑल्सो कॉल्ड एज हॉगर लार्ज प्लेट्यू इन द नॉर्थ सेंट्रल ऑफ सहारा ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अफ्रीका, रीजन इज कंपोज्ड ऑफ ब्लैक वॉल्केनिक बेसॉल्ट, ध्यान रखिएगा। तो ये रीजन में क्या है, अगेन यहाँ पर भी वॉल्केनो एक्टिविटी से बना हुआ है ये माउंटेनियस ट्रैक है, यहाँ पर एटलस माउंटेन्स भी हैं उसी रीजन में, है ना, कोस्टल साइड पर सहारा डेजर्ट भी है, एरिड रीजन है और प्लेट्यू भी अपने को मिलेंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स पूरे अर्थ पर अपने को मिलते हैं, ठीक। फर्दर अपन आगे देखते हैं, एक आप बचता है बेवेरियन प्लेट्यू, जो कहाँ फॉल करेगा, जर्मनी में, ऑल्सो नोन एज एल्पाइन फोरलैंड, क्योंकि ये पूरा एल्पाइन ओरोजनी या एल्पाइन माउंटेन्स का बेल्ट है, तो एल्पाइन का फोरलैंड, तो जहां पर क्रशिंग हो रही है माउंटेन्स की, उनके आगे के रीजन को बोलते हैं अपन फोरलैंड, तो ये एल्पाउन माउंटेन्स डेवलप जो हुए उसका फोरलैंड है, आगे का भाग है, ठीक। फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आइस एजेस एंड हैज ए रिच वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक। तो बेसिकली ग्लेशियर द्वारा बनाया हुआ प्लेट्यू ये है। फर्दर देखिए कुछ फैक्ट्स प्लेट्यू संबंधित, ठीक। तो 33% ऑफ द वर्ल्ड अर्थ इज कवर्ड बाय प्लेट्यूज, तो बहुत बढ़िया, 1/3 हो गया है लगभग लगभग, तो इंपॉर्टेंट है। हाइएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत प्लेट्यू, डेथ वैली सिचुएटेड इन ग्रेट बेसिन प्लेट्यू यूएसए, ग्रेट बेसिन यूएसए, ठीक। तो ग्रेट बेसिन के पास में ही प्लेट्यू रीजन है, मैंने आपको बताया ग्रेट बेसिन के पास में कौन सा प्लेट्यू है, ठीक, ये वाला कोलोराडो प्लेट्यू,
इसके पास में ग्रेट बेसिन है, इसमें क्या है, डेथ वैली सिचुएटेड है, ठीक। तो ग्रैंड कैनन इज ए पार्ट ऑफ कोलोराडो प्लेट्यू, बिल्कुल सही बात है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई जो ग्रैंड कैनन जो बनती हैं, ठीक, कहां पर, जो फेमस है यूएसए की, वो किस प्लेट्यू का हिस्सा है, तो वो इट इज अ पार्ट ऑफ कोलोराडो प्लेट्यू, ठीक। एक आता है शॉन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन म्यांमार। अब ऐसे बहुत सारे प्लेट्यू हैं, मतलब हजारों प्लेट्यू होंगे, अपन सब नहीं पढ़ सकते हैं, समझना, ठीक। ज्योग्राफी में यही दिक्कत है, कंप्लीटनेस नहीं आ पाती अंदर से, ठीक है। तो नो इश्यूज, देखो एक बात ध्यान रखना, कंप्लीटनेस कभी नहीं आ पाएगी, ये बात आप ध्यान रखना, लेकिन अपन इतना पढ़ेंगे कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो यहां पर कंप्लीटनेस से काम नहीं चलेगा, यहां पर केवल कॉन्फिडेंस से काम चलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी के पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप जीवन में कभी भी पूरे याद नहीं कर सकते यार, कोई भी नहीं कर पाया, तुम क्या कर लोगे, ठीक है ना, समझना बात को। तो ध्यान रखिएगा, तो जितने अपन पढ़ रहे हैं उसको पर्याप्त समझिए, है ना। बेसिकली अपने को चार ऑप्शंस में चुनना है, ठीक है, और थोड़ा सा फैक्ट लिखना है मेंस के पेपर में, ठीक। फिर आता है पैटागोनिया प्लेट्यू इज कॉल्ड एज द अडोब ऑफ अबोट, सॉरी, पैटागोनिया प्लेट्यू इज कॉल्ड अबोड ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, है ना। रूहोर ऑफ इंडिया बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू को। ये सारे फैक्ट है, रॉ फैक्ट, जो पूछे गए परीक्षा में, मैं आपको दे रहा हूँ, फायर कर रहा हूँ, रट डालो, ठीक। कटंगा प्लेट्यू फेमस फॉर कोबाल्ट एंड कॉपर, अपन पढ़ भी चुके हैं ऊपर, कॉपर एंड कोबाल्ट के लिए फेमस है कटंगा प्लेट्यू, और ये इनके बारे में अपन जो अपन मिनरल्स पढ़ेंगे, मिनरल के प्रोडक्शन के रीजन कौन कौन से हैं वर्ल्ड में, है ना, और मिनरल्स पर ही बेस्ड उनके इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन फिजिकल फीचर्स को पढ़ना बहुत आवश्यक है ताकि आपको लोकेशन का अच्छा अनुमान रहे, है ना। जैसे बात करता हूँ मैं कोलोराडो की, बात करता हूँ तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनने लगी, ठीक, ये पिक्चर बनना बहुत जरूरी है, ठीक, मैप की। चलिए, तो मेजर प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ पर, इंडियन ज्योग्राफी में, यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यू है ना, बुंदेलखंड, मालवा प्लेट्यू हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ठीक है, ये पूरा डेक्कन रीजन है, ठीक, कर्नाटका प्लेट्यू हो गया, ठीक, तेलंगाना प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू है यहाँ पर, ठीक है, इसके इसके आसपास जो वो हैं गारो, खासी, जयंतिया हिल्स हैं पूरा रीजन, ठीक है, ध्यान रखिए। तो बहुत सारी चीजें अपन इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं आगे, बट नॉट राइट हियर। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होती है प्लेट्यूज की, मिनरल्स के स्टोर हाउस, जनरेशन ऑफ हाइड्रल पावर, इसको पढ़िएगा। मैं अब देखो सिंपल सिंपल है, ठीक, इसको पढ़िएगा। तो ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या प्लेट्यू की होती है, ठीक। फर्दर एनिमल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर के बहुत काम आते हैं, और यहाँ पर कूल क्लाइमेट्स मिलते हैं अपने को ना, बहुत कोल्ड भी नहीं मिलेंगे और बहुत वार्म भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, दर्शनीय स्थल जो प्लेट्यूज पर सिचुएटेड हैं, ठीक। फर्दर अपन आते हैं प्लेन्स पर, ठीक है, देखिए इसको पढ़िएगा, है ना, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसको, ठीक, आगे भी पढ़ाऊंगा जब आपको मिनरल्स और बेल्ट पढ़ाऊंगा वो, ठीक, प्लेट्यू रीजन के बारे में, लेकिन इसको प्लीज पढ़िएगा, क्योंकि ये कुछ चीजें तो आप अपने मन से कर सकते हैं यार, मैं एक एक शब्द आपको पूरी ज्योग्राफी का पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो जो मैं एटलीस्ट होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप करिए, और कोई भी डाउट हो उसके लिए मैं ओपन हूँ यार, तुरंत आप ग्रुप पे आओ, बिल्कुल फायर करो डाउट, है ना, उसका देखो हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ, ठीक है, पर मैं आपको दूंगा जरूर, क्योंकि अभी थोड़ा शेड्यूल टाइट चल रहा है, ध्यान रखिए। चलिए फिर आते हैं अपन प्लेन्स पर। तो प्लेन क्या होता है भैया, लो लाइंग एरियाज, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, अ प्लेन इज ए लो लाइंग रिलेटिवली फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड सरफेस विथ वेरी जेंटल स्लोप। तो स्लोप इसका एस्पेक्ट जो होता है वेरी वेरी जेंटल होता है, ठीक, फ्रॉम ऑल साइड, सिंपल तरीके से, एंड मिनिमम लोकल रिलीफ। तो यहाँ पर लोकल रिलीफ नहीं होता है कि पहाड़ वहाड़ उठे हुए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो लोकल रिलीफ जो होता है बहुत खत्म सा होता है, इसको बोलते हैं अनड्यूलेटिंग प्लेन, ठीक, मतलब इस पर कोई भी लोकल रिलीफ नहीं है, लगभग लगभग कंप्लीटली प्लेन एरिया है, बीच बीच में थोड़े थोड़े अपने को उठे हुए भाग जरूर मिल जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, बट ये है प्लेन एरिया, ठीक। अबाउट 55% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय प्लेन्स, ध्यान रखिए। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। सबसे बड़ी एग्जांपल अपना नॉर्थ इंडियन प्लेन है इंडिया का, ठीक, जो हिमालय से इतनी रिवर्स बह रही है वो सारा डेपोजिशन लाकर रख देती है कहां पर, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पर, ठीक है। तो देखो जब इंडियन प्लेट और एसिडिक प्लेट जब टकराई थी, ठीक, तो इंडियन प्लेट का आगे का जो समुद्री भाग था वो सबडक्ट होता गया, ठीक, तो बीच में एक क्या है, एक गहरा पार्ट बन गया, और ये हिमालय की नदियों ने गहरे पार्ट को भर दिया है, ठीक। तो ये सेडिमेंटेशन का डेप्थ है वो बहुत ज्यादा डेप्थ है ना, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के रीजन में, वहां पर उस रीजन में ध्यान रखिएगा। तो भर दिया गया वो पूरा, दोनों जो अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू है और हिमालय है उसके बीच का जो रीजन है पूरा सेडिमेंटेशन से भर दिया गया है नदियों द्वारा, ठीक, तो वो प्लेन रीजन बन गया है आज की तारीख का, ठीक। तो बिसाइड रिवर्स सम प्लेन्स हैव ऑल्सो बीन फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ विंड्स। तो बिल्कुल विंड भी हायर एरियाज से लोअर एरियाज में अगर जमाती है सेडिमेंट्स को, तो वो क्या बनाएगी, प्लेन ही बनाएगी।
और वो लोअर एरियाज में अगर ऊंचे नीचे भाग हैं तो सेडिमेंट्स के डेपोजिशन से सारे भाग लेवल हो जाएंगे, ठीक है, तो प्लेन बन जाएगा। मूविंग आइस भी यही करता है, अपन ने देखे हैं ड्रमलिंस, एस्कर्स, मोराइंस। तो मोराइंस क्या होता है भैया, एंड में जाकर पूरा सब कुछ डिपॉजिट तो करता है, कौन, ग्लेशियर। और अपन ने आउटवॉश प्लेन्स तो देखा भी है, आउटवॉश प्लेन क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। आउटवॉश प्लेन्स पर कैटल लेक्स अपन ने देखे हैं, तो पूरी चीजें मैंने आपको डिटेल में क्लियर की हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जरूर देखिएगा उस लेक्चर को, ठीक है। तो मूविंग आइस एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज से ही बनते हैं ना, तो प्लेन्स में भी हाइयर और अबव सी लेवल, तो हाइयर भी हो सकते हैं, ठीक, और लोअर भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, प्लेन्स में भी हाइयर और अबव सी लेवल, ठीक, तो ऊंचे थोड़े ऊंचे भी हो सकते हैं और बिलो सी लेवल भी हो सकते हैं प्लेन रीजन्स, ठीक, तो वो अपन देखेंगे आगे। तो ठीक है, टाइप्स देखो फटाफट। तो बेसिकली इनको भी अपन साइज, लोकेशन, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, प्रोसेस कई बेसिस पर क्या कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं प्लेन्स को। तो प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस एज शेप, साइज, लोकेशन, ठीक है ना, पर फ्यू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स आर, तो फ्यू इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं, सबके क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसमें से फ्यू इंपॉर्टेंट मैंने निकाल लिए जो अपने को ज्योग्राफिकल नॉलेज के लिए जरूरी है। पहला होता है कंस्ट्रक्शनल प्लेन और डायस्ट्रोफिक प्लेन और स्ट्रक्चरल प्लेन, ध्यान रखिए स्ट्रक्चरल प्लेन पूछा गया है कई बार। तो दीज प्लेन्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय द अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ सी फ्लोर और कॉन्टिनेंटल शेल्फ बाय ए पेरोजेनेटिक, मतलब एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स, एंडोजेनेटिक के स्लो पार्ट्स। तो कभी कभी मैंने आपको दिखाया कि सबमर्जेंस और इमर्जेंस होता है, अपलिफ्टमेंट और जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है, आसपास सराउंडिंग एरियाज का। तो अगर समुद्र में से कोई भाग बाहर निकल आया, ठीक, थोड़ा सा, तो एक बहुत लंबा एरिया जो है समुद्र से बाहर आता है, तो वो क्या बनता है, फिर प्लेन बनता है। तो ऐसे प्लेन्स को बोलते हैं अपन स्ट्रक्चरल प्लेन्स या डायस्ट्रोफिक प्लेन्स, जो एपेरोजेनेटिक मूवमेंट से बनते हैं, और ये मूवमेंट क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, प्लीज, है ना। तो लास्ट लेक्चर देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स के और वो सब पूरे रीजन के, पूरे बहुत सारे लेक्चर्स मैंने यहाँ पर दिए हैं आपको। दे आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेजर कॉन्टिनेंट्स, सभी मेजर कॉन्टिनेंट्स के बॉर्डर्स पर मिलते हैं अपने को डायस्ट्रोफिक प्लेन्स या कंस्ट्रक्शनल प्लेन्स या स्ट्रक्चरल प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए आर गुड एग्जाम्पल्स, तो ग्रेट प्लेन्स देखेंगे अपने को कैलिफोर्निया, सॉरी कैलिफोर्निया नहीं, अपने मायामी वाले रीजन में, किधर, गल्फ ऑफ मैक्सिको वाले रीजन के ऊपर जो अपने को देखेंगे वो प्लेन्स देखेंगे, कोस्टल प्लेन्स, है ना, यूएसए के वो इसके एग्जाम्पल है, ठीक, और ग्रेट प्लेन्स भी, क्लियर है। फर्दर अपन देखते हैं, दूसरा आते हैं इरोजनल प्लेन्स और डेपोजिशनल प्लेन्स। तो इनके नाम से भी समझ में आ रहा है अपने को, इरोजनल प्लेन्स वो होते हैं जो इरोजन से बनते हैं और डेपोजिशनल प्लेन्स वो होते हैं जो डेपोजिशन से बनते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये ऊंचे नीचे भाग हैं, और मैं बात, ये ऊंचे नीचे भाग हैं, तो ये ऊपरी वाला भाग है इसका डिग्रेडेशन होगा, और ये जो जो डिप्रेशन है इसका क्या होगा, एग्रेडेशन होगा। तो इसका डिग्रेडेशन, इसका एग्रेडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो डेपोजिशन हो रहा है उसकी वजह से क्या बन रहा है, डेपोजिशनल प्लेन्स बन रहे हैं। और एक समय आएगा जब ये पूरा उठा हुआ भाग, ये पूरा एरिया जो है इस तरह का लेवल प्लेन बन जाएगा, छोटे छोटे माउंट्स बचेंगे बस, थोड़े से हार्ड रॉक वाले, ठीक, तो ये पूरा एरिया क्या बन गया आपका, प्लेन बन गया। तो ये जो डेपोजिशनल वर्क से बनता है वो से डेपोजिशनल प्लेन बोलते हैं, जो इरोजनल वर्क से बनता है उसे इरोजनल प्लेन बोलते हैं, दोनों वर्क साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो इरोजनल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द कंटिन्यूस एंड लॉन्ग टाइम इरोजन ऑफ अपलैंड, द सर्फेस ऑफ सच प्लेन्स इज हार्डली स्मूथ एंड हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेनेप्लेन्स। तो पेनेप्लेशन का प्रोसेस मैंने आपको समझाया है जब मैं आपको रिवर्स इरोजन बता रहा था, है ना, फ्लूवियल जो अपन ने देखे हैं इतने भी, फ्लूवियल इरोजन, ठीक, पेनेप्लेन्स कहते हैं इसको, इरोजनल प्लेन्स को, विच मींस ऑलमोस्ट प्लेन, ठीक, नॉट एग्जैक्टली प्लेन बट ऑलमोस्ट प्लेन। तो दोज यहाँ पर बचते क्या है, मैंने कहा ना पेनेप्लेन्स और मोनेडनॉक्स, ये मैंने बताया आपको, ठीक। तो मोनेडनॉक्स ऐसे भाग होते हैं छोटे छोटे जो ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और वो बचे रहते हैं प्लेन एरियाज पे, ठीक, बताया पूरा। तो दे आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर रिवर, है ना, ग्लेशियल एंड विंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाईलैंड एरियाज थ्रू इरोजन इज ऑल्सो ऑल्सो फॉर्म सच प्लेन्स। तो मेजर काम रिवर करती है, लेकिन विंड भी और ग्लेशियर्स भी करते हैं, लेकिन इनका जो एक्सटेंशन है या इनका एरिया है ना, वो बहुत छोटा है, और जो रनिंग वाटर है उसका एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। डेपोजिशनल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय वेरियस डिनुडेशनल एजेंट्स सच एज रिवर, विंड्स एंड ग्लेशियर्स, ठीक, गंगा यमुना प्लेन्स, मिसिसिपी मिसौरी प्लेन्स, वांगहो प्लेन्स, न्यूमरस फ्लड प्लेन्स, एलुवियल प्लेन्स एंड लॉयस प्लेन्स एंड डेल्टाइक प्लेन्स आर एग्जाम्पल। तो ज्यादातर प्लेन्स कौन से हैं, डेपोजिशनल प्लेन्स हैं, ठीक, समझ में आ रही है बात। एक जमाने में अगर हिमालय को प्लेन बना दिया, ठीक, किसने, नदियों ने, हवाओं ने, सबने मिलकर, तो अपन उसको तब तब पढ़ेंगे कि वो इरोजनल प्लेन बन गया है, ठीक है। तो अभी तो हिमालय बहुत ऊंचे हैं, ठीक, चलिए। तो ये आपका टाइप्स ऑफ प्लेन्स थे, ठीक। अब देखिए
तीन मेजर मैं आपको प्लेन डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। पहला है हुआंग हो प्लेन का, प्लेन ज्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेन्स नहीं है वर्ल्ड में, अपन आगे देखेंगे, ठीक है। जब अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्लाइमेट रीजन्स पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रासलैंड्स देखेंगे अपन, ठीक, और प्लेन रीजन्स, है ना, प्रेरीज वगैरह है, इसको अपन देखेंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड दोनों देखेंगे, वो लगभग लगभग प्लेन रीजन है, ठीक। चलिए, तो हुआंग हो प्लेन, हुआंग हो रिवर है ना चाइना की, तो ये इसमें इस प्लेन पूरा आसपास का एरिया है इसके द्वारा बनाया हुआ। ऐसे ही ग्रेट प्लेन्स है किसका, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, और ऐसे ही अपना नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो है ना। ये कहां से कहा था कि भैया ये पूरा पाकिस्तान का लगभग पूरा इंडस वैली कवर करते हुए, है ना, आगे पूरा गंगा नदी के द्वारा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एक्सटेंस है इसका। तो तीन बड़े बड़े रिवर सिस्टम द्वारा बनाया गया प्लेन एरिया है ये, क्लियर है। ये बहुत दूर निकल गया, इतने काट देना यहाँ यहाँ से, है ना, ध्यान रखिए, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो गुजरात के अपर पार्ट तक, रन ऑफ कच्छ तक ये प्लेन की पहुंच है, ध्यान रखिएगा। तो इन इन जैसे इंडियन का प्लेन है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इंडिया के साथ, है ना, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, जब मैं यूएसए पढ़ाऊंगा आपको, आई मीन जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, जब एशिया पढ़ाऊंगा थोड़े से प्लेन्स और डिस्कस करूंगा, हालांकि प्लेन्स में इतने ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो माउंटेन्स अपन ने अच्छे से पढ़े हैं, प्लेट्यूज अपन ने अच्छे से पढ़े हैं, प्लेन्स कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, एग्जाम्पल्स अपन ने बहुत सारे देखे हैं, ठीक है, पर ज्यादा प्लेन्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक, इतने एग्जाम्पल्स पर्याप्त है, ठीक। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक भैया, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, सबको बताओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये मेरा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन करिए प्लीज, ताकि मैं आपको नोट सपोर्ट दे सकूं, ठीक है। नोट्स जो है वो अंडर प्रोसेस है, बहुत सारे अपडेशन रहते हैं, तो वो अपडेशन मैं धीरे धीरे करता रहता हूँ स्लाइड्स में भी, और यही स्लाइड्स में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में फॉरवर्ड भी करता हूँ, है ना। इसके अलावा आप जीसी लियांग रिफर कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं आपको और भी मटेरियल सप्लाई करूंगा आपके एग्जाम तक, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो बेटर, और बाकी सारी चीज जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब कवर करूंगा, बहुत सारे फैक्ट कवर करूंगा, बहुत सारे कंसेप्ट उस समय भी कवर करूंगा, क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। तो जो जो स्टूडेंट्स ये जो ये वाले लेक्चर्स देख रहे हैं, तो प्लीज वो जो क्वेश्चन वाले लेक्चर्स में आपको लेके आऊंगा, क्वेश्चन सीरीज, है ना, एक लेक्चर में अपन लगभग लगभग 50 क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर टॉपिक पर, ठीक, तो वो सीरीज भी आप देखिएगा बिल्कुल, ठीक। चलिए, तो ये भाई 10% डिस्काउंट के लिए अनुराग 27 कोड याद रखिएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।